नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया। कैसे हैं आप सब? आई होप सो बहुत अच्छे ही होंगे। आज का हमारा वीडियो लौकी या घिये के प्लांट के बारे में है। ये जो आप छोटा सा प्लांट देख रहे हैं, ये लौकी का प्लांट है। ये अभी इसकी सीडलिंग हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ 8 दिन का पौधा है मेरा। ये मेरा नेक्स्ट पौधा है, ये भी लौकी का ही पौधा है। इसकी पत्तियाँ बहुत ही बड़ी बड़ी आती है और ये एक बेल है। इसे पौधा नहीं बोल सकते, ये एक बेल है। इसको चढ़ने के लिए आपको डोरी से बांधना पड़ेगा, सपोर्ट देने के लिए बांस का कुछ लगाना पड़ेगा, तब ये ऊपर चढ़ेगी। फर्स्ट हम इसमें कटिंग के बारे में बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें कम से मैं ये कटिंग कर रही हूँ। तो जब इसमें 5 पत्तियाँ आ जाए तब आप इसमें हल्का सा पिंचिंग कर दीजिए, जैसे ये मैं कर रही हूँ। तो जब इसमें 5 लीव्स आ जाएंगे तब इसकी कटिंग करनी है, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए प्लांट। और उसके बाद फिर आगे जब उसके 3 से 4 या 2 भी आते हैं काफ़ी बार, जब बेल आएगी तो उसको फिर आगे और 5 से 6 पत्ती आएगी, यानी 20 सेंटीमीटर जितना आपका जब बेल बढ़ने लगेगा तब आपकी इसकी फिर से कटिंग करनी होगी। फिर मेरे भाई और बंधुओं ने सुन रखा है कि लौकी की जो कटिंग होती है वो 1G, 2G, 3G होती है, बट एग्जैक्टली वो होता क्या है किसी को पता नहीं होता है। तो उसका जो सिस्टम होता है, जैसे ही आपका जो प्लांट है 45 डेज जितना हो जाता है, जैसे मेरा ये प्लांट 45 डेज हो चुका है, तो वो 5 से 6 लीव्स उसके आ जाती है। उसके बाद आपको उसकी कटिंग करनी है, पिंचिंग मेथड का यूज़ करना है, या आप चाहे तो किसी से भी कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके वो उसमें से बेल और ज़्यादा निकलने लगे तो वो उन बेलों को भी बड़ा होने दीजिए थोड़ा सा, वो भी कम से कम आपके 20 सेंटीमीटर जितना बड़ा होगा, फिर आप उसकी कटिंग कीजिए। अगला जो मेरा टॉपिक से वो है कि गमले का चयन कैसे करें। आप देख ही पा रहे हैं मेरा जो ये गमला है ये बहुत ही बड़े साइज़ का है। ये एक्चुअली गमला नहीं है, ये मछली रखने वाली जो पेटियाँ होती है, जो फिश शॉप वाले लोग हैं उनके पास आपको मिल जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं ये लाना तो वहाँ से आप उनसे कुछ पैसे दे के कलेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसमें आराम से आप 6-7 पेड़ तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि ये जो लौकी का बेल है ये बहुत ही बड़ा बेल होता है। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा पैसे देना पड़ेगा। इसको छत पर ये लगाते नहीं ये लोग, बट मेरी तरह जो लोग होते हैं वो तो लगा भी लेते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्लांट का शौक़ होता है। तो उसके लिए आपको इसे बड़ी जगह देनी पड़ेगी। आप चाहे तो 20 इंच का गमला यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक से वो ये है कि इसके लिए मिट्टी कैसी रेडी करनी है। मिट्टी के लिए आपको 60% तक गोबर की खाद लेनी है और 40% मिट्टी लेनी है। मिट्टी आप थोड़ी अच्छी यूज़ कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि गोबर की खाद जो है वो थोड़ी सी पुरानी होनी चाहिए, यानी जिसे हम सड़ी हुई बोलते हैं, सड़ी हुई के बाद में सूखी होनी चाहिए। सूखा करके उसको आराम से, मतलब पुराना जो गोबर का खाद है वो यूज़ करना है, जो झुरझुरा टाइप का हो जाता है वैसा गोबर का खाद यूज़ करना है। उन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद में आपके जो भी गमला है या उसमें आप पॉटिंग मिक्स करके भर दीजिए। इसकी जो मिट्टी रेडी होगी उसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना होता है, क्योंकि ये एक सब्जी है और जो बहुत ही भारी होती है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर लगानी है आपको, जैसे वेजिटेबल बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए मिट्टी आपको बहुत अच्छी रेडी करनी पड़ेगी और उसमें खाद भी बहुत अच्छे से डालना पड़ेगा आपको, तब जाकर ये आपकी जो बेल है जो बहुत अच्छे से लगेगी। अगला जो टॉपिक्स है कि ये जो लौकी का प्लांट है इसमें जो चींटियां है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अटैक होता है उनका, चींटियों के अंडे देना, उसके बाद में मान लीजिए कोई भी मिलीबग्स वगैरह आना, ये सारी चीज़ें कॉमन है। इसमें जो है कीट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, पर उसकी केयर के लिए आप इसमें किसी भी तरह का केमिकल का यूज़ ना कीजिए। केमिकल इसलिए मना कर रही है क्योंकि लौकी एक सब्जी है जो आपको खानी है, नेचुरल है, आपने लगाई होगी घर पे, छत पर या कहीं पर भी नीचे, तो उसे आप ही तोड़ेंगे और आप ही खाएंगे। तो उसमें अगर आप किसी भी तरह का केमिकल यूज़ करेंगे तो वो आपके शरीर को ही नुकसान करेगा।
अगर बहुत ज़्यादा कीट ने आपके इसमें अटैक कर दिया है, जैसे चींटियों ने अटैक कर दिया है, तो आप चाहे तो नीम की पत्तियों का पानी, 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें नीम की पत्ती को बॉयल कीजिए। बॉयल करने के बाद उसे छान लीजिए। उसमें 1 चम्मच सिलेमन पाउडर, सिलेमन पाउडर मतलब दालचीनी का पाउडर, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और उसमें कोई भी लिक्विड हैंड वॉश, डेटॉल हैंड वॉश भी ले सकते हैं या कोई भी आप उसे ले करके अपने अच्छे से मिक्स कर लीजिए उस वाटर को, और उसको अपने स्प्रे बोतल में डाल करके पूरे प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। पर ये चीज़ ध्यान रखिए कि पत्तियाँ बहुत बड़ी होती है लौकी की पत्तियाँ, तो आप हर पत्ती को उल्टा साइड कर करके देखिए, क्योंकि ज़्यादातर जो चींटियों के अंडे होते हैं वो उल्टे साइड पर ही होते हैं। मेरा जो ये प्लांट जब 30 डेज़ का था तो उसमें बहुत ज़्यादा जो पत्तियों में अंडे दे दिए थे, तो इसी कारण मैंने ये पहले ही कर लिया है, इसीलिए आप लोगों को इसमें किसी भी तरह के अंडे वगैरह नहीं दिख रहे हैं। जब आपकी लौकी के जो बेल है उसमें फ्लावर आने लगेगा, तब आपको इसमें फर्टिलाइज़र भी यूज़ करना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र के लिए आप जैसे गोबर के कंडे होते हैं उसका 1 जो कंडा होता है वो लीजिए, और उसको आप 10 लीटर पानी के अंदर डिप करके रख दीजिए। उसको 24 घंटे तक आपको डिप करके रखना है, और उसके बाद उस पानी को आप इस प्लांट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट डे डालना आप उसको। इवनिंग के टाइम पर ही आपको किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करना है दोस्तों। इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो लौकी का जो बेल है उसमें बहुत सारी लौकी आने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो आप पूछ भी सकते हैं, और इसका जो आगे का नेक्स्ट वीडियो है वो भी मैं अपलोड करूँगी कुछ दिनों बाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे के रेड बटन पर क्लिक कीजिए, और मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर हिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। बाय।